করে কি চুরি খাইয়োগি ওর সাদি চুরি ভি খাইয়োগি আর আমারে মাথা চুরি বোতে হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং, কেসে হো আপ সবি? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ कर रहे हैं और आज मेरे हस्बैंड बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल लंच। मुझे भी नहीं पता है अभी तक, तो फिलहाल पता चल जाएगा। मुझे भी पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना। हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू कढ़ी। मैं पहली बार खाऊंगी आलू कढ़ी। आलू कढ़ी तो हमें बहुत खाई होगी। आज खाओगे आप आलू कढ़ी। चावल बनके रेडी है फाइनल स्टेज में कढ़ी की, लेकिन अभी शुरुआत हो रही है। ये कढ़ी में हमने प्याज, आलू, मसाले, टमाटर सब तड़का लग चुका है। मैं थोड़ा सा इसको तड़का फ्राई कर लेते हैं। मैंने वैसे आज तक आलू की कढ़ी खाई नहीं, आज पहली बार बना रहा हूँ। है? अरे मेरा मन अलग अलग खाने का करता है। अच्छा, तो आप बताते नहीं हो ना, मैं अलग अलग चीज बनाती आपके लिए। अब आलू कढ़ी बोलता था, आपको आलू कढ़ी क्या होता है? हाँ वो तो होता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी आलू कढ़ी बनाई नहीं है ना। एक बढ़िया से आलू हमारे पक चुके हैं और पक भी जाएंगे, नरम हो गए होंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए होंगे। और हमारा बेसन और दही का मिक्सचर भी रेडी है एकदम। दही के डालते ही मसाले भी अपने रंग दिखाने लग गए हैं और जैसे जैसे भी हमारी कढ़ी बनेगी तो रंग और आएंगे। खुशबू अच्छी आ रही है। आज हम खाएंगे पहली बार आलू कढ़ी की सब्जी। देखो तड़का जो लगा हुआ है कितना अच्छा दिख रहा है ऊपर से। और मैं कह रहा था कि 100 उबाल की जरूरत होती है, लेकिन हम 100 उबाल तो नहीं लगाएंगे, लेकिन हम कम से कम 25 उबाल को लगाएंगे, एक चौथाई। अच्छा, देखिए कलर कितना बढ़िया निकल के आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि होटल में बन रही है। कि मैंने एक सादी कढ़ी खाई है और एक टमाटर की कढ़ी खाई है, बड़ी की भी कढ़ी खाई है, लेकिन आज मैं पहली बार आलू की कढ़ी खाऊंगी। यस, आलू। अगर आपको बनानी हो तो मेरे हस्बैंड से पूछें कैसे बनाते हैं आलू कढ़ी। आज उन्होंने भी फर्स्ट टाइम बनाई है। पहले उन्होंने मुझसे बोला था आलू कढ़ी बनाओ, तो मुझे समझ में नहीं आया कि आलू कढ़ी कैसे बनाऊं। मैंने कहा आलू कढ़ी तो आज मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो अभी मैंने लिए हैं सलाद के लिए खीरा और मूली। अभी हमारा सलाद कट चुका है और आलू वाली कढ़ी भी पक रही है, देख सकते हैं आप। उबाल आने तक इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही रखते हैं। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तो हम इसे गैस से उतार देंगे। तो हस्बैंड मुझे आज सब्जी या अलग सी दाल बना के खिला रहे हैं। मैंने आज तो पहली बार खाऊंगी, वैसे मुझे बनानी आ गई है, अब नेक्स्ट टाइम से मैं ही बनाऊंगी। उन्होंने मुझसे बोला कि पहले आलू कढ़ी बनाओ। मैंने कहा आलू कढ़ी? तो उन्होंने कहा मैं बनाता हूँ आज स्पेशल आलू कढ़ी। तो ये देख सकते हैं आप, अभी इससे इसमें उबाल आ रहा है और थोड़ा सा मुझे डिब्बे में धनिया भी खाली करना है। धनिया और ये मेरे हस्बैंड को अचार काफ़ी पसंद है मिर्ची का, तो ये है हरी मिर्च का अचार। ये आया है मेरे मायके से, मेरी मम्मी ने भेजा है अपने जवाई के लिए स्पेशली हरी मिर्च का अचार। और मैं हरी मिर्च तो खाती नहीं हूँ। ये पिसा हुआ नमक है जो मैंने आपको बताया था और ये सलाद। तो अभी हम लोग खाएंगे गर्मा गर्म आलू कढ़ी। तो हस्बैंड ने आज कुछ अलग से खिलाया मुझे। अब इसका तो टेस्ट जब मैं करूँगी तभी पता चलेगा कैसा हो रहा है। फिलहाल तो इसे उबाल आने तक ऐसी धीमी आंच में पकाती हूँ मैं इसको। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ रहा है और
जब थोड़ा सा अच्छे से उबाल आ जाएगा मैं इसमें ऊपर से धनिया ऐड कर देती हूँ, क्योंकि धनिया की जो खुशबू है ना वो कड़ी को और चार चांद लगा देगी, कहते हैं ना। तो इसमें उबाल आ रहा है, ये देख सकते हैं। और आलू भी मेरे पक चुके हैं आराम से। वैसे मेरे हस्बैंड ने इसे पहले फ्राई कर लिया था। तो ये मेरी झोली बन के रेडी है। आपने हमेशा पकौड़ी की झोली खाई होगी और सादी झोली भी खाई होगी, और हमारे वहां तो झोली ही बोलते हैं, कड़ी भी बोल सकते हैं इसे आप। तो आज हमने थोड़ा सा अलग सी बनाई है आलू की कड़ी, और मैंने नहीं बनाई है, मेरे हस्बैंड ने बनाई है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे बनाऊं, तो आज मुझे पता चल गया। अब तो वो चख के ही पता चलेगा कि कैसी हो रही है। तो ये हमारी बन चुकी है आलू कड़ी। ये हमारे आलू कड़ी बन के रेडी है, और अभी हम लोग गर्मा गर्म आलू कड़ी की सब्जी खाएंगे। तो मैं टेस्ट करके हस्बैंड को बताऊंगी कि कैसा है। तो अभी मैं टेस्ट करके हस्बैंड को बताऊंगी कि कैसा हो रहा है। अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। मुझे लगा नहीं था अच्छी होगी। तो हस्बैंड मॉर्निंग में ही सब्जी लेने चले गए थे और आज मैं नहीं गई। हम हमेशा ताज़ी ताज़ी ही सब्जी लेके आते हैं, मॉर्निंग में ही सब्जी लेके आते हैं। कभी इमरजेंसी पड़ गई तो हम शाम को लेने चले जाते हैं, वरना हम मॉर्निंग में ही सब्जी लेके आते हैं। और आज मेरे हस्बैंड क्या क्या सब्जी लेके आए हैं मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज लेके आए हैं, आलू लेके आए हैं, मटर लेके आए हैं, टमाटर लेके आए हैं, फूल गोभी लेके आए हैं, और सलाद में मूली और खीरा लेके आए हैं। गाजर भी लाए हैं, क्योंकि आजकल मुझे गाजर खाने का बहुत मन कर रहा है। गाजर का हलवा तो काफ़ी टेस्टी होता है। और साथ में फ्रूट्स भी लेके आए हैं, ये देख सकते हैं। और लौकी तो मेरी फेवरेट है, तो लौकी तो लेके ही आते हैं, देख सकते हैं आप। इतनी सब्जी लेके आ चुके हैं, साथ में हरी सब्जी भी लेके आए हैं, मेथी की सब्जी। मेथी आलू की सब्जी बहुत अच्छी होती है। वैसे तो मुझे पहाड़ी जो लाई है उसकी सब्जी काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ लाई मिलती नहीं है, तो यहाँ सिर्फ एक चौलाई और मेथी मिलती है, तो हम मेथी लेके आते हैं। साथ में धनिया भी लाए हैं। धनिया डाल के जो खुशबू आती है सब्जियों में, तो आज मैं धनिया की चटनी बनाऊंगी। यह है मेरे हस्बैंड की घड़ी। जाओ, मेरे हाथ कितने पतले हैं और आपके हाथ कितने मोटे हैं, ये ऐसी। हाँ फिर इसका वेट बहुत ज़्यादा है। इसमें आपने सेल नहीं बनाया है, ख़राब तो नहीं हो रही गई ये? सेल चेंज करना है ना बस। ये देखो ऐसी गिर जाएगी, मेरे हाथ से बहुत लूज हो रही है ये। आपके हाथ में फिट आ रही, देखो एक बार आपके हाथ में फिट। नहीं नहीं, आपको भी लूज हो रही है थोड़ा सा। अरे इतना तो रहना ही चाहिए। नहीं, फिट होनी चाहिए, ऊपर नीचे हो जा रही है वो, ये लूज हो रही है थोड़ा सा। जब आप इसमें सेल पहनाओगे ना तो इसको थोड़ा सा कट कर देना है। अरे नहीं, जरूरत है कट करने की। क्यों? तो मैं बना रही हूँ अभी मेथी और आलू की सब्जी। मैंने मेथी साफ करके धो के रख दिया है, और अब मैं इसे कट करूँगी। इसमें मैंने चढ़ाई है दाल, तो मैं अभी बना रही हूँ साथ में दाल। तो मैं बना रही हूँ मेथी आलू की सब्जी और साथ में बना रही हूँ दाल। तो अभी मेरे मायके से कॉल आया है वीडियो कॉल पे। अभी तक मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, और अब हम करते हैं पहले डिनर, फिर डिनर करने के बाद हम लोग वॉक करने जाएंगे। तो आज मैंने डिनर पे क्या क्या बनाया है, तो ये बनाई है मैंने मेथी आलू की सब्जी, और ये है दाल, और वो है रायता। तो मैंने बनाया बूंदी का रायता। आई होप सभी ने मेरा ब्लॉग देखा होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।